Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Today I will discuss choice of technique, its determination and approach. ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे choice of technique. It will cover the syllabus of MEC 004 Economics of Crop and Development. Choice of technique. The choice of techniques. ठीक है, इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे. What do you understand by the choice of technique meaning? Choice of technique refer to a factor combination for a project and enterprises. किसी भी project या enterprises के लिए जो हम factor combination को choose करते हैं, उसी को हम कर सकते हैं choice of technique. या हम दूसरे भाषा में भी कर सकते हैं. In other word, we can say it a factor combination chosen for. A project gives the technique of production. किसी भी project के लिए हम जिस प्रकार का factor combination को चुनते हैं, वो क्या देता है? वही choice of technique या technique of production कहते हैं. तो basic questions is that which types of production techniques should be chosen for a project. किस प्रकार की प्रोडक्शन टेक्निक हम लोगों को चुनना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए? तो दैट टेक्निक, सच टाइप ऑफ टेक्निक शुड बी चोजन फॉर प्रोडक्शन विच यील्ड विच मैक्सिमाइज एग्रीगेट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. इस तरह का हमारा टेक्निक होना चाहिए, प्रोडक्शन का टेक्निक जो हमें एग्रीगेट जो आउटपुट एवं एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा कर सके. तो अल्टीमेट चॉइस इज बिटवीन लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक. यही दो का बीच में हमें चुनना पड़ता है, इंटेंसिव. ठीक है, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो उत्पादन का तकनीक इस प्रकार का चयन करना पड़े जिससे हमारा जो प्लान के जितने ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव हो सके सक्सेसफुली. ठीक है, तो चॉइस ऑफ टेक्निक मीन्स प्रोडक्शन टेक्निक शुड बी चोजन इन अ वे that maximize the objective of the plan which help us achieving objective of the plan. ऐसा होना चाहिए जो हमारे प्लान का ऑब्जेक्ट है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया, पर फॉर द पर्पस के लिए बनाया गया, वो अचीव हो सके. अब है कि कौन सा फैक्टर, विच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ टेक्निक. ठीक है, तो द चॉइस ऑफ टेक्निक इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ फैक्टर. ठीक है, जिसमें बेसिकली आई विल कंसीडर ओनली थ्री. फर्स्ट, डिटरमिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक. तो पहला होना चाहिए, आवर चूजन प्रोडक्शन टेक्निक शुड नॉट इन्वॉल्व टू मच गेस्टेशन पीरियड. ठीक है, हमारा जो भी प्रोडक्शन टेक्निक को हम चुनाव करेंगे, चयन करेंगे, तो उसका जो गेस्टेशन पीरियड ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. अभी गेस्टेशन पीरियड मीन्स होता है द पीरियड फॉर गेटिंग रिटर्न फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट. मतलब इन्वेस्टमेंट करने से जो गैप होता है, जो इन्वेस्टमेंट किए और ये जब रिटर्न देगा, तो वो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए. दूसरा ऑब्जेक्ट डिटर जो रिस्पॉन्सिबल है डिटरमाइनिंग
choice of technique is, तो our chosen production technique should not conflict with any underlying objective of the plan. Plan के किसी भी जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ किसी प्रकार का इसका कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब एक दूसरे का विरोधाभास नहीं होना चाहिए. सपोज दैट हम अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाह रहे हैं तो एट द सेम टाइम हमारा अगर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रिडक्शन करें, एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन को, तो दोनों में इस तरह का हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस हो जो जो एनवायरमेंटल इशू क्रिएट ना करें. तो मैंने दो लक्ष्य को एक दूसरे से झगड़ा नहीं होनी चाहिए जो भी प्लान का ऑब्जेक्टिव. और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, आवर चूजन प्रोडक्शन टेक्निक शुड हेल्प इन क्रिएटिंग ऑफ वाइड रेंजिंग एक्सटर्नल इकोनॉमिक सो दैट एग्रीगेट आउटपुट इज मच ग्रेटर देन द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ एनी इंडिविजुअल प्रोजेक्ट. मतलब कहने का मतलब है कि हमारा जो चूजन प्रोडक्शन टेक्निक इस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार होना चाहिए जो बहुत बड़े पैमाने पर ऑन द लार्ज स्केल में वो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स करे, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले हमारा इकोनॉमिक्स पर वो करे, ताकि हमारा जो एग्रीगेट आउटपुट हो ज्यादा मात्रा में अगर हम सारे प्रोजेक्ट का सम टोटल करें. कहने का मतलब बहुत ही आसान है कि जो भी हमारा इंडिविजुअल प्रोडक्ट प्रोजेक्ट हो तो वो पॉजिटिव रिजल्ट इकोनॉमिक्स पर डाले, जो एग्रीगेट हम सम करेंगे इंडिविजुअल को तो ज्यादा होगा एग्रीगेट पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक पर. अब चूंकि देखिए एक मैंने इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होने से दूसरे इंडस्ट्रीज का इजिली क्या कहते हैं इनपुट वगैरह मिलने लगता है, अगर दोनों को रिलेटेड इंटरडिपेंडेंस है ये होता है. दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर जो होता है प्रोडक्शन आपको मिलने लगता है, बहुत सारी बातें होती जो एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री के रूप में काम करते हैं, ठीक है. अब सवाल है, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया कि मीनिंग ऑफ च्वाइस ऑफ टेक्निक, च्वाइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक. अब ये टैंक है प्रॉब्लम ऑफ, अब हम अप्रोच हम करेंगे प्रॉब्लम ऑफ च्वाइस ऑफ टेक्निक हैज बीन डेवलप इन डिफरेंट वे बाय डिफरेंट इकोनॉमिक्स, ठीक है. बेसिकली देयर आर थ्री मेजर अप्रोच टू च्वाइस ऑफ टेक्निक. फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच सेकेंड राइस डॉग अप्रोच एंड थर्ड वन इज एक के सेन अप्रोच, ठीक है. प्रोडक्शन टेक्निक का थ्री अप्रोच है जिसमें तीनों का मैंने नाम लिख दिया, ट्रेडिशनल अप्रोच, मैक राइस डॉग अप्रोच, एकेसन अप्रोच. बट अंडर दिस वीडियो आई विल कवर ओनली ट्रेडिशनल अप्रोच एंड लेटर ऑन आई विल कवर मैक राइस डॉग अप्रोच एंड एकेसन अप्रोच. हम लोग अब फोकस करते हैं, नाउ वी नीड टू फोकस ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स theory approach to the choice of production tell us any entrepreneur seeking to maximize his profit would choose that method of production which minimize cost of production, ठीक है. आपने हम लोगों ने पढ़ चुका है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस में जो थ्योरी है उसमें पढ़ते हैं कि कोई भी एंटरप्रेन्योर उस मेथड ऑफ प्रोडक्शन को चूज करेगा जिससे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए. क्यों? इन ऑर्डर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्शन, वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ठीक है. तो यहाँ एज्यूम कीजिए अगर इकोनॉमिक्स में अगर लेबर की मात्रा बहुत ज्यादा है, एज्यूमिंग लेबर इज अबंडेंट इन द इकोनॉमिक्स, देयरफॉर इट इज रिलेटिवली चीपर
लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक वुड मैक्सिमाइज प्रॉफिट एज वेल एज आउटपुट। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था जैसे आप कह सकते हो भारत हो गया, जिसमें ह्यूज चाइनीज इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं इकोनॉमी में, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में लेबर अवेलेबल है, तो वहाँ पर हमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चीप रेट में आपको लेबर मिल जाएगा, लेबर। ओके, तो ऐसा क्यों होता है कि चूंकि जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है कोई भी चीज़ का, तो उसकी रेट कम होती है। ठीक है, ओवर सप्लाई रिड्यूस द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा अज्यूमिंग यह भी करना, सपोज दैट अज्यूमिंग इन एनी इकोनॉमिक्स देयर इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लाइक यूएसए इकोनॉमिक्स, देयरफॉर इट इज रिलेटिवली चीप इन यूएसए, कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक शुड बी चोजन फॉर यूएसए इकोनॉमी। अगर किसी अर्थव्यवस्था जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जैसी इकोनॉमी है, वहाँ पर कैपिटल की मात्रा ज़्यादा है, तो और चीप रेट में भी अवेलेबल है, तो वहाँ कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक चुनना चाहिए। तो दस प्रोडक्शन फंक्शन टुगेदर विद रिलेटिव प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइन द चॉइस ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक इन एनी इकोनॉमी। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन के साथ साथ उस देश में, उस इकोनॉमिक्स में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस से निर्धारित होता है चॉइस ऑफ टेक्निक। ठीक है, ए फर्दर मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच इज दैट आउटपुट शुड बी इवोल्यूटेड एट शैडो प्राइस। ठीक है, नया कंसेप्ट आ रहा है, शैडो प्राइस क्या है, इसका डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट यूनिट में है, लेकिन शैडो प्राइस को ब्रीफली मैं बता देता हूँ। जैसे कोई चीज का इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो दो तरह की, एक सोशल कॉस्ट होता है और एक सोशल बेनिफिट होता है। ठीक है, तो उसी चीज पर ये आधारित है, इन्वेस्टमेंट जो हम किए उससे सोशल रिटर्न हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, तो वो चीज़ है, हम डिटेल में इसमें वीडियो में जाना नहीं चाहेंगे। तो जो भी हम इन्वेस्टमेंट किए हैं जो इसी ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो आपको उसको शैडो में जो भी आउटपुट, वॉट एवर द आउटपुट वी गॉट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी इवेल्यूएटेड एट द शैडो प्राइस पर उसका मूल्यांकन होनी चाहिए। इट इज जस्ट एडजस्टेड other consequences of investment such that external economic effect, complementary effect, etc. So that estimate of social return on investment could be made in simple word. Thus, those investment may be made सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द मैक्सिमम। मतलब इस तरह का हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिस पर हमारा सोशल रिटर्न मैक्सिमम प्राप्त हो। तो शैडो प्राइस में मतलब है कि सोशल रिटर्न जो हमारा इन्वेस्टमेंट से हो मैक्सिमम हो। ठीक है, लेकिन इस अप्रोच का भी कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन। दिस अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक ऑल्सो सफर फ्रॉम few shortcomings like first तीन अप्रोच आपके बुक्स में दिया हुआ है। पहला है इट अडॉप्ट अ स्टैटिक फ्रेमवर्क। स्टैटिक फ्रेमवर्क मतलब फिर फ्रेमवर्क टू डील द डायनेमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ। चूंकि ये खुद एक स्टैटिक फ्रेमवर्क है, ठीक है, लेकिन ये डायनेमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका है इट इज वेस्ट ऑन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स इन द शॉर्ट रन, बट इट नेगलेक्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट को इग्नोर करता है, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि
ये शॉर्ट इन द शॉर्ट रन के लिए ये थ्योरी अच्छी है, लेकिन ये क्या है कि हमारा इकोनॉमिक्स ग्रो ओवर द टाइम, इट इज अ डायनेमिक प्रॉब्लम। तो ये लॉन्ग रन के लिए इसकी क्या कह सकते हैं यूटिलिटी इस अप्रोच की बहुत कम हो जाती है। एंड थर्ड वन ये अप्रोच, दिस अप्रोच कंसंट्रेट मोर ऑन ऑप्टिमल यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेस रादर देन ऑप्टिमल ग्रोथ पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ये ज्यादा है कि ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस पर ज्यादा चर्चा करता जोर देता है बस, लेकिन ये तो एक्चुअली चॉइस ऑफ टेक्निक है, ये इसको होना चाहिए शुड बी कंसर्न विद द ऑप्टिमल ग्रोथ पर ओवर द टाइम ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में ये उतनी चर्चा नहीं करते। तो ये तीन तो थ्री मेजर लिमिटेशन हैज बीन गिवन अगेंस्ट दिस ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। आई होप एवरीबडी गॉट द कंसेप्ट आई वॉन्टेड टू टीच अंडर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।